हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश ट्रेकबुक इंडिया से। आज का जो अपना सब्जेक्ट है दैट इज कार इंश्योरेंस पॉलिसी, विच आर द बेस्ट टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया दिस ईयर इन 2021 एंड व्हाई, वो विथ रीजंस जो मैंने पूरा स्टडी किया है वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। अब ये स्टडी मैंने मेरे खुद के कार के लिए किया हुआ है और इसी महीने मैंने मेरे कार का इंश्योरेंस भी रिन्यू करवाया है, तो इसके लिए ये स्टडी मुझे ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि सेम स्टडी आप सब लोगों के लिए भी यूज़फुल हो जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे कि मेरा कार कौन सा है। तो मेरा कार का मॉडल है मारुति सियाज 1.5 लीटर अल्फा ऑटोमेटिक स्मार्ट हाइब्रिड है। ये दिसंबर 2018 में मैंने बाय की थी, तो 3 साल अभी हो चुके हैं। इसका जो मैंने इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू IDV जिसको बोलते हैं वो 5,92,000 लिया हुआ है। दिस हैज बीन कैलकुलेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो जितने मैंने कोटेशंस ऑनलाइन लिए हैं अलग अलग कंपनियों से लिए हुए हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस, वो सब IDV मैंने फिक्स रखा हुआ है, सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू कंपेयर कि प्रीमियम क्या है और कौन सा कंपनी मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने जीरो डिप्रिसिएशन लिया हुआ है स्पेसिफिकली, और कॉम्प्रिहेंसिव वर्सेज जीरो डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है दैट आई विल शो यू क्विकली। एंड आप अगर ये सब टोटल स्टडी देख के कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं टॉप 5 कंपनीज आपको बताऊंगा, तो आई सजेस्ट दैट आपको क्या करना है कि आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे अप्रूव्ड एंड एसोसिएटेड गैरेजेस आपके एरिया में कितने हैं वो पहले चेक कर लें। अब उसका इंपॉर्टेंस है ये है कि अगर अप्रूव्ड गैरेज रहेगा तो आपको कोई झंझट नहीं पड़ेगा, वो गैरेज खुद आपकी गाड़ी जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां से उठा के लेके जाएगी एंड रिपेयर करके पूरा काम करके वापस आपको देके जाएगी। बिलिंग एंड एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड डायरेक्टली विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड द अप्रूव्ड गैरेज। तो इसके लिए जरूरी है आप अप्रूव्ड गैरेजेस आपके एरिया में देखो। अब सिंपल है कि लेट्स सी द कंपैरिजन कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना है मुझे या जीरो डिप्रिसिएशन में जाना है, क्योंकि दोनों के जो प्रीमियम है वो अलग अलग होते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सपोज 8,000 रुपये है तो आपको जीरो डिप्रिसिएशन शायद 12,000 रुपये मिल जाए, 15,000 रुपये मिल जाए, कॉस्ट में डिफरेंस रहता है। तो कभी भी प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का रहेगा कम एंड जीरो डिप्रिसिएशन का रहेगा ज़्यादा। क्लेम सेटलमेंट जो अमाउंट रहता है आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कम मिलती है, बिकॉज अगर आपकी सपोज प्लास्टिक पार्ट डैमेज हो जाए एक्सीडेंट में तो वो प्लास्टिक पार्ट का जो कॉस्ट रहेगा उसका 50% ही आपको कॉस्ट मिलेगा। दूसरे जो पार्ट्स है उसका जो पैसा मिलेगा वो भी कम मिलेगा, बिकॉज अगर कार को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जैसे कार का उम्र बढ़ता है वैसे डिप्रिसिएशन बढ़ते रहता है, तो आपको जो हाथ में आने वाला अमाउंट है खर्चा हो गया सपोज 50,000 रुपये तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएटेड अमाउंट ही मिलेगा। तो इसके लिए कौन सा ले, तो मेरे हिसाब से अगर आपका कार ब्रांड न्यू है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इज मोर देन सफिशिएंट। सपोज पहला ही साल है, मैक्सिमम दूसरा साल है, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दूसरे साल में भी मैं तो खुद जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस ही लेता हूँ, तो आई प्रेफर दैट पर्सनली, बिकॉज कुछ झंझट नहीं चाहिए, अपने को 100% अमाउंट मिलना चाहिए। अगर आपका कार्ड थोड़ा सा ओल्ड है, 3 4 5 साल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जीरो डिप्रिसिएशन में ही जाना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन अगेन। तो जस्ट देखते हैं कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है ऊपर का, तो वो आप है पॉलिसी होल्डर, लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपका कार है, और आपका अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो दूसरे साइड का कार रहता है जिससे आपका एक्सीडेंट होता है सपोज कार या कोई भी चीज़ है, तो उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं हम लोग। तो अपने इंडिया में लीगली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। आपका कार अगर इंडियन रोड पे है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मस्ट, तो आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। एंड आपको चॉइस है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले या जीरो डेप इंश्योरेंस दे। तो अगर आपका सिर्फ थर्ड पार्टी आपने लिया हुआ है तो आप देख रहे हैं जो कार को आपने ठोका हुआ है वो कार का तो पूरा पैसा कवर हो जाएगा, बट आपके कार का जितना डैमेज हुआ है वो पूरा पैसा आपको खुद को खर्चा करना पड़ेगा। सो डैमेज ऑन सेल्फ कार इज नॉट कवर्ड इन ओनली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर आप जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवर को, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवर में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपका गाड़ी का रिपेयर का पैसा मिलेगा, बट जैसे मैंने पहले बताया डिप्रिशिएटेड वैल्यू कंसिडर करके आपको कम पैसा मिलेगा, जितना खर्चा हुआ है उतना खर्चा आपको नहीं मिलने वाला है। एंड जीरो डेप में अगर जाते हैं आप, जो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, उसमें 100% ऑफ द डैमेज, बोल तो अगर प्लास्टिक पार्ट है तो उसका जैसे 50% कट होने वाला था आपका, तो कॉम्प्रिहेंसिव में वो जीरो डेप में खर्चा कम नहीं होगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा।
तो अब आते हैं कि मैंने जो मेरे मारुति सियाज जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसके लिए जो आईडीबी मैंने बताया था 5,92,000 रुपीज़, उसके लिए मैंने जो सब कंपनियों से कोट लिए हुए हैं, जस्ट सी द लिस्ट ऑफ कंपनीज, एको है, रहेजा है, यूनाइटेड इंडिया है, नेशनल इंश्योरेंस है, नावी इंश्योरेंस है, SBI है, यूनिवर्सल सॉम्पो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, शोला, टाटा AIG, कोटक जनरल इंश्योरेंस है, डिजिट है, बजाज अलियांज है एंड श्रीराम है। तो इतने कंपनियों से मैंने कोटेशन लिया हुआ है, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं। सो पहला जो कॉलम है आपको दिख रहा है, पहला फर्स्ट कॉलम, इट इज़ अ बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम, ओके। सेकंड कॉलम जो है वो थर्ड पार्टी कवर प्रीमियम है। तो बेस कवर जो है, पॉइंट ए में बात कर रहा हूँ, तो बेस कवर में आता है बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम एंड थर्ड पार्टी ओन कवर प्रीमियम। थर्ड पार्टी आप देख लें 3,221 रुपीज़ इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल, ये जैसे मैंने बताया ये मैंडेटरी पार्ट है, पहला पार्ट जो है वो ऑप्शनल पार्ट है। सेकंड पार्ट में आता है पार्ट पॉइंट बी में डिस्काउंट्स, तो जो नो क्लेम बोनस हर कंपनी में मुझे दिया हुआ है तो वो मैंने दिखाया हुआ है, एंड अदर डिस्काउंट्स, जैसे अगर आप देखें तो श्रीराम का देखें तो उन्होंने बेसिक डैमेज प्रीमियम के ऊपर और उन्होंने डिस्काउंट दिया है 16,000 रुपीज़। अब ये मुझे थोड़ा सा फाइनली ये डिस्काउंट वगैरह लेके फाइनल मुझे क्या देना है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। देन कॉलम सी जो है दैट शोज एड ऑन्स, तो एड ऑन्स में मैंने मेजर एड ऑन लिया है जीरो डिप्रिसिएशन, इसमें अलग अलग एड ऑन्स आते हैं बट मैं बोलता हूँ पहले जीरो डिप्रिसिएशन तो लेना ही चाहिए, तो वो मैंने लिया हुआ है। तो उसके लिए कितना कॉस्ट ऐड होता है वो ये कॉलम में दिखा हुआ है। एक्को के सामने मैंने 1 रुपये दिखा हुआ है, एक्चुअली मुझे जो एक्को से ऑफर मिला था उसमें उन्होंने 0 रुपीज़ में मुझे जीरो डिप्रिसिएशन भी कवर करके दिया है एज अ स्पेशल ऑफर, तो आपको भी ऑफर मिल सकता है। यू कैन जस्ट चेक, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर मिल सकता है, तो चेक इट। एंड मिसलिनियस और अदर बेनिफिट्स में भी किसी किसी कंपनी ने कुछ अलग अलग बेनिफिट दिया, जैसे कि फ्री आपका टोइंग करके कार लेके जाना है तो उसके लिए कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, बट एको के अंदर वो भी कवर्ड है, आई विल जस्ट शो यू। एंड सो फाइनल कॉलम जो है A+B+C, दिस इज द टोटल प्रीमियम व्हाट यू हैव टू पे एक्चुअली, तो वो पैकेज प्रीमियम मैंने दिखा हुआ है। इसके ऊपर GST आता है 18% एंड फाइनल प्रीमियम मैंने दिखाया है, उसको मैंने एक स्पेसिफिक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो देख सकते हैं दिस इज व्हाट इज द फाइनल अमाउंट यू नीड टू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी, ओके। तो एको का मेरा आता है 8,734 रुपीज़ फाइनल इंश्योरेंस, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंश्योरेंस तो 8,700 रुपये में दे रहा हूँ वो करेक्ट है, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज अगर आपके कार का रियल एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो कंपनी आपको पैसा देती है कि आसानी से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, फिर कंपनी का और आपका चलेगा कि ये हम लोग नहीं देंगे, वो हम लोग नहीं देंगे, एंड देन दैट बिकम्स वॉट इज कॉल्ड एज अ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैंने लिया हुआ है ऑफिशियली IRDA के वेबसाइट से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट बॉडी है जहां जो डेटा मिलेगा एकदम एक्यूरेट मिलेगा। आप एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे मुझे पता नहीं वो क्या दिखाएंगे, बट IRDA के डेट ऑफिशियल वेबसाइट से जो डेटा लिया हुआ है मैंने वो लास्ट दो कॉलम में मैंने डाला हुआ है, तो 2018-19 का एक डेटा है एंड 2019 और 20 का दूसरा डेटा है। तो आप देख सकते हैं जो टॉप 5 कंपनीज में बोल रहा हूँ जिसमें इंक्लूडेड है एको, रहेजा QBE, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस एंड नेवी इंश्योरेंस, इन कंपनियों के 2029-2020 के IRDA के जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दीज आर अबाउट 95%। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये टॉप 5 कंपनीज है, प्लस SBI जनरल इंश्योरेंस भी है, बट उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो लास्ट ईयर रहा था 92% रहा था IRDA के हिसाब से, तो वो मैं जस्ट रनर अप करके रख रहा हूँ। बाकी के नीचे के देख सकते हैं आप कि बाकी के कंपनियों के सेटलमेंट रेशियो आप खुद देख के आपको ध्यान में आ जाएगा कि भैया ये कंपनी सेटलमेंट कितना दे रहे हैं लोग उनको। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि भैया मैं इतना पैसा उनको दे रहा हूँ, हायर प्रीमियम डज नॉट मीन दैट हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो, दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू शो हियर। तो ये टेबल का वही मतलब है। तो अब एको का देख सकते हैं, इंश्योरेंस सबसे कम पे कर रहा हूँ मैं और उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.58% है, विच इज वेरी गुड इन माई पर्सनल परस्पेक्टिव, बिकॉज मुझे पैसा मिलने के गारंटी ज़्यादा है, दैट इज द रीजन वाई हैव सिलेक्टेड एको। अब कुछ कॉलम्स में आपको दिख रहा है कि सेटलमेंट रेशियो तो 100% के ऊपर है, तो क्यों है, तो आप सोच के मुझे कमेंट्स में बता देना, अगर आपका सोच करेक्ट रहेगा तो आई विल आंसर,
आई नो द आंसर, बट मैं आपको कमेंट में वो आंसर देना पसंद करूंगा। ओके, ये रिडल है आपके लिए। तो चलो, एक्को एडवांटेज जो मुझे मिला है सिर्फ 8,500 रुपये में, आप ये देख रहे हैं कि जो लास्ट ईयर मैंने प्रीमियम पे किया था या इस साल भी मैंने टाटा AIG का लिया हुआ था, तो लास्ट ईयर ऑल्सो आई पेड समथिंग अराउंड 17,000 रुपीज। इस साल का भी उनका कोटेशन अराउंड दैट ओनली आई गॉट, बट मैंने अभी आधे प्राइस में इंश्योरेंस लिया है, प्लस मैंने ऐसा कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है जिसका सेटलमेंट रेशियो इज वेरी हाई कंपेयर टू टाटा AIG ऑल्सो। ओके, सो दैट इज एडवांटेज। तो एक्को एडवांटेज जो मुझे मिला है, जो इंश्योरेंस मिला है, उसमें मुझे क्या क्या मिला है? तो फ्री कार पिकअप फ्रॉम होम, ऑफिस और द एक्सीडेंट साइट इसमें मिला हुआ है, इतने कम प्रीमियम में मिला हुआ है, ध्यान में रखो। रिपेयर्स एट ओनर्स नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट गैरेजेस, तो उनका जो टाइप किया हुआ गैरेज है वो गैरेज वहाँ रिपेयर करने वाला है। 3 डे रिपेयर गारंटी है मुझे। कार वाउचर 500 रुपये का मिलेगा मुझे, अगर 3 दिन से ज़्यादा मेरा कार उनके गैरेज में रहता है तो मुझे 500 रुपीज़ पर डे मिलेगा कैब वाउचर, ठीक है। देन कार ड्रॉप वापस मिलेगा रिपेयर करके, एंड कैशलेस एंड हैसल फ्री प्रोसेसिंग, तो मुझे कुछ करना नहीं है। ऑफकोर्स 1,000 रुपीज़ जो प्रोसेसिंग फी रहता है हर इंश्योरेंस कंपनी मांगती ही है, दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल द इंश्योरेंस कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ विच कंपनी यू आर चूजिंग फॉर। अब इसमें कवर क्या क्या है? मेन एक्सीडेंट, वो जो पर्पज है अपना, एक्सीडेंट डैमेजेस आर कवर्ड। देन फायर, अगर आग लग गई किसी कारण तो वो कवर्ड है। थेफ्ट, चोरी हो गई तो आपको जितना IDV रहेगा आपका, डिक्लेयर्ड इंश्योरेंस वैल्यू रहेगा, वो आपको मिलेगा। देन कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक हो गया, अगर कुछ दंगा फसाद हो गया तो उसमें आपके कार का डैमेज हो गया तो वो भी कवर्ड है। देन थर्ड पार्टी ऑब्वियसली इट इज अ बेसिक, डेथ इंजुरी और प्रॉपर्टी डैमेज अगर किसी का हुआ है आपके गाड़ी के कारण तो वो इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। देन कंज्यूमेबल्स भी इसमें कवर्ड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना 0 डेप हमने लिया हुआ है तो नट बोल्ट लुब्रिकेंट अगर चेंज करना है, इंजन डैमेज हो गया है उसमें का लुब्रिकेंट चेंज करना है, वो भी आपको कवर हो जाएगा। 0 depreciation ऑब्वियसली मैंने सिलेक्ट किया ये स्पेशल प्लान में, एंड अगर कार ओनर की खुद की डेथ हो गई तो उसमें भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज नॉट कवर्ड इन दिस। तो नॉन एक्सीडेंटल डैमेजेस, जैसे नॉर्मल वियर एंड टीयर गाड़ी का होते रहता है, कल को ब्रेक्स वियर हो गए, टायर वियर हो गए, तो वो इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता है। इनफैक्ट कोई भी इंश्योरेंस के अंदर नहीं आएगा, आपको अगर वो लेना है तो एडिशनल आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज स्टूपिडिटी, बिकॉज वो यू कीप ऑन डिबेटिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी की ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, सो आई विल नॉट प्रेफर दैट। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, इनडायरेक्ट डैमेज, अगर दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके कारण अगर कुछ हुआ है, इनडायरेक्ट लॉस हुआ है उसके प्रॉपर्टी का, वो कवर नहीं होता है। अगर वॉर होता है कल को, न्यूक्लियर वॉर होता है, नॉर्मल वॉर होता है, तो उसमें अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो वो कवर नहीं होती है। अगर आप इलीगल ड्राइविंग करते हो, ड्रग्स लेते हो, दारू पी के गाड़ी चला रहे हो अगर आप, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप इलीगल तरीके से ड्राइव कर रहे हो, जैसे BRT के लेन में ड्राइव कर रहे हो, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको कोई भी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। ओके, टायर ट्यूब इंजन नॉर्मल वियर एंड टीयर नोबडी गिव्स, एंड देन प्री एग्जिस्टिंग डैमेज है, अगर आपका गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी पहले चेक करती है, अगर कुछ प्री एग्जिस्टिंग डैमेज है तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। एंड वन मोर पॉइंट इज, अगर आपका कार प्राइवेट है, अभी मेरा कार प्राइवेट है, अगर मैं वो कमर्शियल यूज के लिए किसी को दे रहा हूँ, भाड़े पे दे रहा हूँ, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है और अगर कंपनी को पता चलता है कि दिस कार हैज बीन यूज्ड एज अ कमर्शियल कार, तो आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। एंड और एक उनका क्लॉज है वॉलंटरी डिडक्टेबल, व्हाट इट मींस दैट, अगर जैसे मैंने एक्को का लिया हुआ है, अगर मैं एक्को के अप्रूव्ड गैरेजेस में ही अगर मैं रिपेयर करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपये पे करना है। अगर मैं कोई मेरे खुद के पसंद के गैरेज में जाता हूँ जो अप्रूव्ड और एफिलिएटेड टू एक्को नहीं है, तो मुझे 5,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। ये मैंने एग्री किया हुआ है। अगर ये क्लॉज मुझे नहीं चाहिए सपोज, तो देन द इंश्योरेंस कवरेज का जो प्रीमियम है मेरे हिसाब से 8,500 रुपये था, तो समथिंग अराउंड 12,500 रुपीज़ हो जाता है, तो सेम बात हो जाती है, तो मैंने वो नहीं लिया हुआ है। सो दैट्स ऑल गाइज, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि सेटलमेंट रेशो अच्छा, क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा होना चाहिए और प्रीमियम सबसे लोएस्ट होना चाहिए, और जो अफिलिएटेड गैरेजेस है वो आपके एरिया में होने चाहिए। तो ये 3 factors कंसिडर करके मैंने एक्को का इंश्योरेंस लिया हुआ है। सो व्हाट आई हैव डन फॉर क्विक रेफरेंस, मेरा पहले था टाटा AIG का इंश्योरेंस, उसका एक लिंक और एक्को का इंश्योरेंस का एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप क्लिक करके दोनों के यहाँ से कोट लेके कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन योर ओन, एंड देन यू कैन डिसाइड व्हिच इंश्योरेंस यू वांट टू टेक।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट मुझे लेना हो जो इंटरेस्ट है एंड इन डेप्थ आपको अगर उसके ऊपर कुछ मेरे कमेंट्स चाहिए तो ज़रूर मैं करूँगा, कोशिश करूँगा। चलो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।